सो वट इज़ द नंबर्ड लिस्ट? नंबर्ड लिस्ट नेम से ही क्लियर हो रहा है, नंबर्ड लिस्ट इज द वन विच हैज़ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ओके, जिसका कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है, जो इजिली रीडेबल होती है, ठीक है, जिसको आप इजिली रीड कर सकते हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, नंबर्ड लिस्ट। द डिफॉल्ट नंबरिंग इज 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन, ओके। आपकी जो बाय डिफॉल्ट नंबरिंग होती है वो 1, 2, 3 की फॉर्म में ही इंसर्ट होती है, ठीक है। तो नंबर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसका कोई ना कोई एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो इजिली क्या होती है, रीडेबल होती है, जिसको आप इजिली रीड कर सकते हो। नंबर वन आइटम ये है, नंबर टू ये आएगी, नंबर थ्री ये आएगी, ठीक है, जो आपके लिए इजी हो जाती है रीड करनी, ओके। टू मेक अ नंबर लिस्ट, अब नंबर लिस्ट के लिए आप डिफरेंट आपके पास स्टेप्स आपके पास गिवन है बेटा। यहाँ पर क्लिक ऑन नंबरिंग आइकन फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार। आपके पास जब आप फॉर्मेटिंग टूल बार पर क्लिक करोगे, जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार आएगा, ठीक है, जब आप फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्मेटिंग टूल बार ओपन होगा। देन आपने क्या करना है, वहाँ पर बुलेट्स, नंबरिंग, अभी मैंने बताया था ना, बुलेट्स, नंबरिंग, ग्राफिक्स, पोजिशन कस्टमाइज, आपके पास ऊपर फ्रंट में क्या आएंगे, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, कि आप बुलेट्स में यूज़ करना चाहते हो, नंबरिंग यूज़ करना चाहते हो, ग्राफिक्स यूज़ करना चाहते हो, कौन सी लिस्ट आप वहाँ पर अपनी इंसर्ट कराना चाहते हो, ठीक है। तो आपने अभी क्या करना है, नंबरिंग लिस्ट यूज़ करनी है। देन यू विल क्लिक ऑन द नंबरिंग आइकन फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार, देन टाइप ईच लिस्ट आइटम बाय प्रेसिंग एंटर। और आपने क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है, नेक्स्ट टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है, और आपकी जो नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी, सीक्वेंस में आपकी जो लिस्ट आइटम है वो सीक्वेंस में इंसर्ट होती जाएगी। आई होप ये सभी को क्लियर है नंबर लिस्ट क्या होती है, क्लियर। नाउ सेकंड मेथड जो आता है बेटा इसका, सिलेक्ट टेक्स्ट विच यू वांट एज अ नंबर लिस्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन क्लिक ऑन द नंबर्ड लिस्ट, देन आपकी जो नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी, आपके जो आइटम्स हैं उन पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। जैसे आपके डायग्राम में दिया गया है नंबरिंग आइकन्स, नंबरिंग आइकन। अब यहाँ पर देखो जो शॉपिंग लिस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ नंबर्ड लिस्ट। यहाँ पर जो आपके पास यूज़ हुई है बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग कौन सी आ गई है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ गई, ठीक है, नंबर्स आपके पास यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ABC की अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आपके पास विजिबल हो, तो आप वहाँ से अल्फ़ाबेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब हम बाय प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। आप नंबर से आप उसको अल्फ़ाबेट्स में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है तो वो भी नंबरिंग की फॉर्म में, सीक्वेंस की फॉर्म में ही, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी नंबर लिस्ट यूज़ होगी, ओके। आई होप ये बुलेट्स और नंबरिंग में सबको डिफरेंस क्लियर है बेटा कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। नाउ टू डिफाइन अ न्यू बुलेट्स, आपके पास अगर न्यू बुलेट्स आपने डिफाइन करना हो तो आपके पास डिफरेंट स्टेप्स गिवन है। सिलेक्ट द लिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन बुलेट आइकन, देन क्लिक बुलेट्स एंड नंबरिंग, देन सिलेक्ट द न्यू सिंबल ऑफ योर चॉइस फ्रॉम बुलेट टैब और डिफाइन न्यू बुलेट। अगर आप अदर बुलेट्स यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एरो की फॉर्म में देना चाहते हो, ठीक है, क्रॉस की फॉर्म में, टिक की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, डायमंड की शेप में, अगर आप कोई भी इनमें से डिफरेंट सिंबल आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे और आपकी वही बुलेट आपकी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट ओपन योर पेज नंबर 51। ऐसे ही आपके पास नंबरिंग स्टाइल है, अगर आप अदर नंबरिंग यूज़ करना चाहते हो 1, 2, 3 की फॉर्म में, रोमन की फॉर्म में, ABC की फॉर्म में, देन आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और ओके प्रेस कर दोगे, क्लियर। यहाँ पर जब हम बाय प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने बुलेट्स को चेंज करना है, कैसे आपने नंबरिंग को चेंज करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा आपका नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का अब मतलब अभी मैंने बताया था कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट,
ठीक है। एक लिस्ट के अंदर जब आप दूसरी लिस्ट यूज करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, नेस्टेड लिस्ट। ओके, मींस व्हेन यू विल यूज हेडिंग, ओके, देन यू विल यूज सब हेडिंग्स इनसाइड द हेडिंग। ओके, मींस हेडिंग एंड सब हेडिंग टू बी नंबर, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप नेस्टेड लिस्ट में, जैसे आप क्या करते हो, हेडिंग क्रिएट करते हो, हेडिंग के इनसाइड आप क्या करते हो, सब हेडिंग्स बना देते हो, ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी नेस्टेड लिस्ट ही तो होती है वो। एक लिस्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, दूसरी लिस्ट को यूज कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। क्लियर। नेस्टेड लिस्ट में क्या करते हो, टू टाइप द लिस्ट आइटम सेलेक्ट द टाइप लिस्ट, क्लिक ऑन बुलेट आइकन फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार, देन क्लिक बुलेट्स एंड नंबरिंग आइकन, देन बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा, देन सेलेक्ट करेंगे आउटलाइन टैब, देन सेलेक्ट द नंबरिंग स्टाइल ऑफ योर चॉइस एंड देन प्रेस ओके। ओके, तो आउटलाइन जो आपके पास थर्ड जो आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार में बेटा गिवन है वो क्या आती है, आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन टैब आपके पास अपीयर होता है, ठीक है। अगर आप आउटलाइन टैब यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पर स्टेप्स गिवन है और आप क्या कर सकते हो, अपनी नेस्टेड लिस्ट को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। लाइक आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, अगेन शॉपिंग लिस्ट का, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लिस्ट यूज़ की गई है फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम्स के इनसाइड आपके पास आइटम्स आती हैं, एग्स, ब्रेड, ठीक है, व्हीट, फ्रूट्स, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फूड की आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो किसकी फॉर्म में आ रही हैं, ए बी सी डी की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आ रही हैं। मीन्स एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, दूसरी लिस्ट यूज़ की जा रही है, ठीक है। सेकेंड आप ऐसे ही देख सकते हो, सेकेंड के इनसाइड आपके पास ए बी सी की फॉर्म में आ रहा है, थर्ड में भी आपके पास ऐसे ही आ रहा है, तो ये क्या होगी, आपकी नेस्टेड लिस्ट हो गई। जब हम बाय प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने नेस्टेड लिस्ट को अप्लाई करना है। ओके, आई होप ये सभी को क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क। ओके बेटा, तो सभी ने आज क्या करना है, जो भी आपके पास आज वर्क कराया गया है उसको आपने बाय प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है। तो आपके पास जो ऐप कराई गई है, ठीक है, जो इंस्टॉल कराई गई है एंड्रो ओपन ऑफिस, वो आपने सभी बच्चों ने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो अब जो भी आप जो आपके पास टॉपिक कराया गया है बुलेट्स एंड नंबरिंग का, वो आपने उसमें अपने मोबाइल फोन्स में सभी ने बाय प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसको बाय प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे आप नंबरिंग और बुलेट्स को अपने टेक्स्ट पर, ठीक है, अपनी लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। आई होप बेटा ये सभी को क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, बट जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप इसको समझ नहीं सकते, ठीक है, तब तक आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है, और जो भी आपको आज होमवर्क दिया जाएगा उसको आपने कंप्लीट करना है। क्लियर।